सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों की 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं रद्द हो गई हैं और अब इनका रिजल्ट 15 जुलाई को आएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, इनको अब आगे एग्जाम लिखने का मौका नहीं मिलेगा। इन छात्रों का रिजल्ट जितने पेपर बोर्ड के हुए हैं उनके आधार पर ही किया जाएगा। ये कैसे होगा हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। वहीं 12वीं क्लास के बच्चों के पास ऑप्शन होगा कि अगर वो आगे बचे हुए पेपर लिखना चाहते हैं तो वो कोरोना के बाद जो हालात बेहतर होंगे तब वो एग्जाम लिख पाएंगे। लेकिन फिलहाल सभी छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब स्थिति साफ हो गई है कि 15 जुलाई को हर हालत में रिजल्ट आना ही है। इससे जो भी बच्चे जहां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे। ये खबर राहत की तो है कि अभी एग्जाम नहीं होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ टेंशन भी जुड़ी हुई है, जो इस फैसले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि पास या फेल करने का प्रोसेस क्या होगा, 12वीं के छात्रों के लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा। और एक ऐसी भी परिस्थिति है कि अगर एग्जाम फिर से देने का फैसला करते हैं और नंबर कम आते हैं तो क्या फिर से पुराने वाले रिजल्ट में वापस जा सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं, चलिए आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि 15 जुलाई को जो रिजल्ट आने वाले हैं उनकी मार्किंग कैसे होगी। सीबीएसई ने एक नई असेसमेंट स्कीम निकाली है जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा और इसका ऐलान 15 जुलाई को किया जाएगा। स्कीम के तहत स्टूडेंट को जितने बोर्ड एग्जाम हो गए हैं उनके आधार पर मार्किंग होगी। मान लो जैसे कि बोर्ड के एग्जाम में आपने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं तो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट के एवरेज के आधार पर बचे हुए आगे के सब्जेक्ट्स की मार्किंग होगी। अगर आपने एग्जाम 3 ही दिए हैं तो बेस्ट ऑफ 2 के आधार पर होगी। अगर आपने सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम दिए हैं तो इंटरनल असेसमेंट जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह के आधार पर आपकी मार्किंग की जाएगी। 10वीं क्लास के छात्रों के लिए अब कोई भी एग्जाम लिखने का मौका नहीं होगा। हमने जो प्रक्रिया समझाई है इसी के आधार पर उनका रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। वहीं क्लास 12वीं के भी बच्चों की मार्किंग इसी तरह होगी और सभी का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा और वो फिर से एग्जाम अगर लिखना चाहता है तो ऐसे छात्रों को आगे अप्लाई करना होगा। जब कोरोना संकट में अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब उनका एग्जाम कराया जाएगा और उनको पेपर लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सरकार से पूछा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर सितंबर में हालात बेहतर होते हैं तो अक्टूबर में एग्जाम करा सकते हैं। फिर जज ने पूछा कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तब क्या होगा, तो सीबीएसई ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एग्जाम हो ही ना। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर फिर से एग्जाम देने का फैसला करते हैं और नंबर कम आते हैं तो क्या फिर से पुराने रिजल्ट में वापस जा सकेंगे। सीबीएसई ने साफ किया है कि अगर आगे आप एग्जाम देने का फैसला करते हैं तो आप फिर से पुराने सिस्टम में वापस नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको अब बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। अगर आपको यकीन है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी आपको आगे एग्जाम देने का फैसला करना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब 15 जुलाई को रिजल्ट आने का आप इंतजार कीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबर से पास हों।